ड्रग्स कनेक्शन में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। पावना डैम के बोटमैन ने सुशांत सिंह राजपूत की सीक्रेट पार्टीज का राज खोला है। सुशांत की पार्टी पावना डैम और टापू पर होती थी, जिसमें बॉलीवुड स्टार्स सारा अली खान भी शिरकत करती थी। ड्रग्स कनेक्शन में बड़ा खुलासा, पावना डैम के बोटमैन का बयान। सुशांत की पार्टी में सारा अली खान, बार बार आती थी रिया चक्रवर्ती। आपती गवंडे आइलैंड में ड्रग्स पार्टी। सुशांत मौत की मिस्ट्री अब ड्रग्स और धुआं में उलझती जा रही है। हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, हर रोज नए नाम आ रहे हैं। अब बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां भी बेनकाब हुई जो ड्रग्स पार्टियों में शिरकत करती थी, उनमें धुआं उड़ाती थी। सुशांत की ड्रग्स पार्टियां उसी के फार्म हाउस में होती थी जो पावना डैम के पास है। पावना डैम के बोटमैन ने नारकोटिक्स ब्यूरो के सामने सनसनीखेज खुलासे किए। बोटमैन जगदीश गोपीनाथ दास ने बताया कि सुशांत के फार्म हाउस में पार्टी होती थी जिसमें कई स्टार आते थे। ये सभी उसके बोट पर घूमते थे और आपती गवंडे आइलैंड पर घंटों वक्त बिताते थे, जहां ये नशा करते थे, ड्रग्स लेते थे। बोटमैन जगदीश के मुताबिक सुशांत के साथ रिया बार बार आती थी, 4 से 5 बार सारा अली खान भी आई। रकुलप्रीत और सिमोन खंबाटा ने भी सुशांत के साथ बोट यात्रा कर आइलैंड में पार्टी की। ड्रग्स एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम उस आइलैंड पर पहुंची जहां पर सुशांत अक्सर अपने दोस्तों के साथ, खास तौर पर रिया चक्रवर्ती और सारा अली खान के साथ जाते थे। इसी आइलैंड पर मौजूद एक बोटमैन का स्टेटमेंट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दर्ज किया है, जिसकी कॉपी आज तक के पास मौजूद है। बोटमैन ने बताया है कि सुशांत कैसे रिया चक्रवर्ती के साथ इस आइलैंड पर घंटों बिताते थे। इसके अलावा सारा अली खान भी 4-5 बार आई, तमाम लोग आते थे और इसी आइलैंड पर जमकर पार्टी होती। बोटमैन के खुलासे हैरान करने वाले हैं। उसका दावा है कि आपती गवंडे टापू पर सुशांत अपने दोस्तों के साथ घंटों वक्त गुजारा करते थे, जहां नशे का पूरा इंतजाम होता था। वो सभी बोट में भी नशा करते थे। बोटमैन के इस बयान के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक बार फिर से इस आइलैंड पर पहुंची, जांच शुरू की, फार्म हाउस पहुंची, वहां से सीसीटीवी कैमरे खंगाले। आने वाले दिनों में फार्म हाउस में आने जाने वाले लोग आइलैंड में पार्टी करने वाले लोगों पर शिकंजा कस सकते। सुशांत की पार्टी में रिया की पूरी मंडली आती थी, जिनमें नारकोटिक्स ब्यूरो के हत्थे चढ़े उसका भाई शोविक, सैमुअल मिरांडा और जैद भी शामिल है। जैद ड्रग पेडलर है, तो क्या जैद ही सुशांत की पार्टी में ड्रग्स मुहैया कराने का काम करता था? पावना डैम मुंबई से करीब 108 किलोमीटर दूर है। लोनावला से सटे इस इलाके में काफी सारे फार्म हाउस हैं जहां पार्टियां होती हैं। रिया के कबूलनामे के बाद यहां की पार्टी अब एनसीबी के निशाने पर है। अब देखना है कि जांच के साथ क्या नए खुलासे होते हैं और बॉलीवुड के कौन कौन से बड़े नाम सामने आते हैं। ऐसे मौसमी सिंह और पंकज उपाध्याय के साथ अरविंद ओझा, पावना डैम आज तक। जैसे जैसे ड्रग्स मंडली की कुंडली खुल रही है, ड्रग्स कनेक्शन का दायरा बढ़ता जा रहा है। एनसीबी को सुशांत के फार्म हाउस की छापेमारी में कई ऐसी चीजें मिली जो इस बात की तस्दीक करती है कि वहाँ ड्रग्स पार्टीज होती थी। सुशांत की मौत मिस्ट्री अब ड्रग्स और धुएं के मायाजाल में फंसती जा रही है। जांच की कड़ियां जोड़ते हुए एनसीबी की टीम सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस में पहुंची तो हैरान। एनसीबी के छापे में ड्रग्स की पार्टी के तमाम सब ड्रग्स के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें और दवाइयां बता रही हैं कि फार्म हाउस नशे का अड्डा बना हुआ था। एनसीबी की टीम सुशांत के फार्म हाउस पर गई थी, जहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक के पास मौजूद है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने जब सुशांत का फार्म हाउस खंगाला तो वहां से कुछ सुशांत की दवाइयां, नशे में इस्तेमाल होने वाली चीजें बरामद हुई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत का फार्म हाउस घंटों तक खंगाला। उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम उस आइलैंड पर गई जहां सुशांत अक्सर जाते थे। एनसीबी ने फार्म हाउस के पास के सीसीटीवी के डीवीआर को भी सीज किया है। साथ ही एनसीबी की टीम फार्म हाउस के उस आगे वाले आइलैंड पर भी गई जहां पर सुशांत रिया के अलावा बॉलीवुड की दो और एक्ट्रेसेस को लेकर गए थे। वहां भी ड्रग्स पार्टी की जानकारी एनसीबी टीम को मिली है। डीवीआर को जब्त करने का मतलब यही है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये जानना चाहता है कि यहां पर कौन कौन आता जाता था। क्या यहां पर कोई पेडलर भी पहुंचा था? क्या यहां कोई बॉलीवुड की सेलिब्रिटी भी पहुंची थी? एनसीबी की टीम ने जब सुशांत के फार्म हाउस पर छापा मारा तो आसपास के लोगों से पूछताछ भी की गई। सवाल वही थे कि सुनसान इलाके के फार्म हाउस में होता क्या था। जवाब में एनसीबी को एक और जानकारी हाथ लगी है। गांव वालों ने बताया कि सुशांत रिया और उसके दोस्त एक आइलैंड पर अक्सर आते जाते थे।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम उस आइलैंड पर गई जहां सुशांत अक्सर जाते थे। आइलैंड के पास एक शख्स का स्टेटमेंट बकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लिया है, जिसमें उस शख्स ने बताया है कि सुशांत बॉलीवुड की 3 हीरोइनों के साथ अकेले अकेले उस आइलैंड पर जाते थे और वहां पर ड्रग्स पार्टी होती थी। अब तक ड्रग्स कनेक्शन में रिया का नाम आता रहा है, लेकिन सुशांत की पार्टी के लिंक जुड़ने से दायरा बढ़ गया। सुशांत खुद भी घेरे में आ गए। रिया ने तो दावा किया था कि सुशांत ड्रग्स लेते हैं, लेकिन उसने कभी नहीं लिया। वो काफी रेगुलरली पीते थे, मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। लेकिन नए खुलासे ने न सिर्फ रिया बल्कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों को बेनकाब कर दिया है। अभी तो ये आगाज है, अब देखना ये है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किस अंजाम तक पहुंचता है। मुंबई से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत केस में फिल्म निर्माताओं से भी पूछताछ होगी। सुशांत के साथ फिल्में बनाने वाले कई फिल्म मेकर्स अब पूछताछ के दायरे में हैं। ईडी जल्दी ही इन निर्माताओं को समन भेजेगी। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है। इसके अलावा सुशांत के खाते से 15 करोड़ के हेरफेर के आरोप पर भी जांच चल रही है। इससे पहले ईडी रूमी जाफरी से पूछताछ कर चुकी है, जो सुशांत और रिया को लेकर फिल्म बनाने वाले हैं। इस बीच आज फिल्म मेकर दिनेश विजन से ईडी ने करीब 8 घंटे तक पूछताछ की और उनका भी बयान दर्ज किया। दिनेश विजन ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म राब्ता बनाई थी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।